पेपर लीक को नहीं मानते हैं। कोई भी आदमी चोर अपने आप को चोर साधारणता नहीं मानता है। इनके ब्लेम है और थोड़े लोगों का ब्लेम नहीं है। 24 लाख में कम से कम 10 लाख बच्चों का ब्लेम है और ये ब्लेम बड़े स्तर का है। एनटीए की एसआईटी से जांच होनी चाहिए या सीबीआई से जांच हो। जो 50,000 अंक के बच्चे हैं उसमें 40,000 बच्चे फ्लैट पहुँचाए गए हैं। ये साला एनटीए जब इस पर जाँच होगी ये सालों साल बाहर नहीं आएगा। सुबोध कुमार नमस्कार, आप देख रहे हैं महाखबर। मैं सुधाकर सिंह जंतर मंतर पर मौजूद हूं और आप देख सकते हैं मेरे पीछे नीट की जो परीक्षा हुई थी उसको फिर से कराने के लिए, उसको कैंसिल कराने के लिए अब छात्र जो हैं यहां जंतर मंतर पर आ गए हैं। हालांकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है। हमारे साथ कुछ छात्र भी हैं और उनके अभिभावक भी हैं। बातचीत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि मामला क्या है। नीट की जो परीक्षा आई है उसको कैंसिल करने के लिए बच्चे धरने पर हैं। आप बच्चों के अभिभावक हैं? जी, मैं पिताजी हूँ। क्या चाहते हैं? हम जो बच्चे ने पेपर दिया है उनके साथ न्याय नहीं हुआ है इस परीक्षा में। जी। जो पेपर लीक हुआ बिहार में जिसकी FIR है, जिसमें कई लोग प्रोटेस्ट जेल में बंद है और इस उसके थ्रू इधर ग्रेस मार्क बता रहे हैं। इन माध्यमों से उन्होंने कई चीजें किया है। अभी आज कुछ खुल किया है कि मैंने 6 बच्चों को सिर्फ दिया है ग्रेस मार्क, लेकिन वो पेपर लीक को नहीं मानते हैं। कोई भी आदमी चोर अपने आप को चोर साधारणता नहीं मानता है। इनके और ब्लेम है और थोड़े लोगों का ब्लेम नहीं है। 24 लाख में कम से कम 10 लाख बच्चों का ब्लेम है और ये ब्लेम बड़े स्तर का है। NIT की NTA की SIT से जांच होनी चाहिए या CBI से जांच हो। पेपर किसी दूसरी संस्था से कराया जाए। ये पेपर दोबारा होगा इसकी स्वच्छता का जवाब यही। अगर दोबारा पेपर हो जाए और जिन बच्चों ने 50,000 अंक लाए वो दोबारा वहां तक ले आते तो तुम निष्पक्ष हो, और तुम मानते नहीं हो दोबारा खड़ा हुए जब तो 50,000 में सिर्फ 40,000 फेल हो जाएंगे, 10,000 पास होंगे। तो NTA लगातार कह रहा है, जवाब नहीं दे रहा। NTA लगातार कह रहा है कोई क्वेश्चन पेपर लीक नहीं। वो चोर को यही कहता है हम चोर है, प्रमाण है नहीं मानते हैं। जी। मानते क्यों नहीं, उन पे कोई प्रेशर नहीं पड़ रहा है। जब सुप्रीम कोर्ट हमारी बात को समझेगा, वो सोचेगा, वो जांच कराएगा। भाई पहले काउंटी रोकते जांच करा ले कि हाँ चोरी हुई कि नहीं हुई। भाई रिपोर्ट दायर है जिस पर आप FIR दर्ज करते हैं कभी कभी केस में, तो क्या साधारण मुलजिम कहता हूँ मुलजिम हूँ, उसकी जांच होती है। जांच के बाद कंफर्म होता है मुलजिम है या नहीं है। तो हम लोग उस पर अप्लाई कर रहे हैं, मुलजिम बना रहे हैं, जांच हो जाने दीजिए। आपके बच्चे ने पेपर दिया था? जी मेरे बच्चे ने पेपर दिया है। कितना मार्क्स आए थे? 627 नंबर है उसके। 627 नंबर है तो इस बार 627 में आपको लगता है कि कॉलेज मिलेंगे? आप तो 660 पे मिलेगा। 660 ये तो 40,000 रैंक ऊपर बढ़ी है। कपड़ा तो वहीं पे है। मैंने भी क्या कहा, जो 50,000 अंक तक बच्चे हैं उसमें 40,000 बच्चे फ्लैट पहुंचाए गए हैं इस टाइम के द्वारा। रास्ता क्या निकलेगा? सिर्फ सुप्रीम कोर्ट इसके द्वारा पेपर कराए और इन पर जांच बिठाए, यही इसका मुख्य वो है तरीका। और कोई तरीका नहीं। नहीं मानते हैं तो इतने भविष्य को खराब करना चाहती सरकार, और सुप्रीम कोर्ट भी नहीं साथ देगी, कौन देगा? फिर कहाँ जाएगा आदमी? न्याय के लिए आदमी जाएगा? हाँ, क्योंकि देखिए आप भी पेरेंट्स हैं, आप भी अभिभावक हैं। बच्चों का समय जाता है, उससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं होता है। तो इस हम न्याय मांग रहे तो जाए कहाँ? सुप्रीम कोर्ट भी जा रहा है, हाई कोर्ट भी बच्चे जा रहे हैं और धरने पर भी बैठे हैं। क्यों बैठे हैं भाई? कुछ हमें शंका तो है। हमारी शंका का निवारण है, पेपर कराइए। आप पेपर कराएंगे तो कंफर्म निकलेगा कि 50,000 में जो 50 रैंक है ऊपर की बात मैं कर रहा हूँ। देखिए जिसे जो भी आज तक खेल हुए हैं बताया कि ज्यादा बच्चे बैठ गए इसलिए ज्यादा पास कर गए। ज्यादा बच्चे बैठे यानी ओलंपिक में ज्यादा बच्चे भेज तो ज्यादा पदक आ जाएंगे। पास समझे ना, मैं इंटर पढ़ा हुआ किसान हूँ। उसका जो जवाब है कि ज्यादा बच्चे बैठे, ज्यादा बच्चे, इंडिया की आबादी ज्यादा है, ओलंपिक भेज दे सारे पदक इंडिया को मिल जाएंगे। NTA का फॉर्मूला है ना? NTA के फॉर्मूले को सुप्रीम कोर्ट समझे तो मैं साधारण आदमी, सुप्रीम कोर्ट बड़े बड़े लोग बुद्धिमान बैठते हैं कि ज्यादा बच्चे बैठे ज्यादा क्वालिफाई कर गए इंडिया को, ज्यादा बच्चे के वक्त तो इंडिया वर्ल्ड में सबसे टॉप है आबादी में, ज्यादा भेज दे ओलंपिक में सारे पदक इंडिया को मिल जाएंगे। ये साला NTA है। मैं तो साधारण आदमी हूं, इसको जब इस पर जांच होगी ये सालों साल बाहर नहीं आएगा। सुबोध कुमार जो इसका वो क्या कहते हैं डायरेक्टर है, जब इस पर जांच होगी ये शायद अपनी लाइफ में बाहर नहीं आ पाएगा। तो धरने पर कब तक रहेंगे? क्योंकि जब तक न्याय नहीं मिलेगा, जब तक न्याय नहीं मिलेगा। जो बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, हम भी अपने बच्चे को यदि सिक्योर किए साथ में बैठे हैं, कहीं हमारा बच्चा छूट जाए तो कहीं ऐसा स्थिति ना बन जाए तो, या बनेगा तो हम साथ साथ बनेंगे बाप को दोनों। अगला बच्चा क्यों जाए? हम यहाँ बैठ के मरेंगे, आवरण करेंगे, कोई ईंट पत्थर दंगा फसाद नहीं करने वाले हैं। हम यहाँ बैठेंगे न्याय की उम्मीद से, ऐसे नहीं तो भूख हड़ताल करेंगे, आमरण अनशन करेंगे न्याय के लिए। न्याय तो चाहिए चाहिए और न्याय देना पड़ेगा। आप कहाँ से आए हैं? मैं यूपी कन्नौज से आया हूँ।
यूपी कन्नौज से आए हैं। ये हमारे साथ यूपी कन्नौज से आए हुए हैं और जंतर मंत्र पर धरने पर बैठे हुए हैं। इनका कहना है कि हम अभिभावक हैं और हमें बच्चों की चिंता है, अगर बच्चों के साथ कुछ हो जाता है जैसा बच्चे कर भी रहे हैं तो मेरी जिम्मेदारी कौन लेगा, इसलिए बच्चे अगर कुछ ऐसा करते हैं तो मैं बच्चों के साथ ही मरने को तैयार हूँ। आप बने रहें महाखबर के साथ, मैं सुधाकर सिंह, धन्यवाद।